हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ नोज़ पिन संबंधी। नाक में नोज़ पिन अक्सर पहनी जाती है, सौभाग्यशाली महिलाएं पहनती हैं, पर कई बार किसी के जैसे नाक में कई बार दर्द वगैरह भी हो जाता है तो उस वजह से कई बार नोज़ पिन उतार के रखनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिलाएं नोज़ पिन नहीं पहनती हैं, लेकिन नोज़ पिन का संबंध किससे है और अनमैरिड लड़कियाँ भी इसको पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती हैं, ये जानकारी मैं आज आपको दूंगी। इसके अलावा आपकी लग्न के हिसाब से आपको कौन सी नोज़ पिन पहननी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत शुभ हो और लकी साबित हो और धन का आगमन लाने वाली हो। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। नोज़ पिन बेसिकली जब नाक में कोई छेद वगैरह करवाया जाता है तो उसको बुध ग्रह उससे जागृत होता है और नाक में जो छेद है, कई लोग मैंने पुराने लोगों को देखा है, कुछ व्यापारी लोग होते हैं उनकी भी आपको नाक में छेद मिल जाएगा, आप कभी गौर कीजिएगा इसको। कई ऐसे होते हैं जिनके कर्ण छेदन तो होता है लेकिन वो कान में भी बाली वगैरह नहीं पहनते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे भी कुछ ना कुछ हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, हमारे जो गुणी पूर्वज थे, उन वो ये सब बातों को जानते थे कि कैसे छोटी छोटी बातों से आपके ग्रहों को जागृत किया जा सकता है। और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि नाक को अगर नाक में छेद करवाया जाता है तो उससे बुध ग्रह के शुभ परिणाम मिलते हैं। जिनको बुध ग्रह के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं उनको भी नाक में छेद करवाना चाहिए। जिनको व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिकली वैसे तो लेडीज़ ही करवाती हैं नाक में छेद, लेकिन पुरुषों के भी कई नाक में मैंने देखा है छेद होता है, तो ये शायद व्यावसायिक उद्देश्य से ही उन्होंने कराया होगा या उनको इसकी जानकारी होगी। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि नोज़ पिन भी एक नॉर्मल नोज़ पिन पहनने से ही काम नहीं चलता है। आपकी लग्न और राशि के हिसाब से, स्पेशली जो आपकी लग्न है उसके हिसाब से आपको नोज़ पिन पहनना चाहिए, तो वो और भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली साबित हो सकती है। मैं इसको बताने जा रही हूँ, उससे पहले एक बात और बोलूँगी कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष में भरोसा करते हैं। जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगी कि आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न वाली जो महिलाएँ होती हैं उनको मोती, छोटा सा एक मोती नोज़ पिन में डाल के पहनने से उनको बहुत सुखों की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही समृद्धि को भी प्राप्त करती हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं वृषभ लग्न वाली जो महिलाएं होती हैं उनको डायमंड की नोज़ पिन पहननी चाहिए। वैसे डायमंड की नोज़ पिन कोई भी पहन सकती हैं, पर जैसे धनु लग्न हुआ, मैंने वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी है, धनु लग्न वाली महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए। बात चली है तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बाकी अभी धनु लग्न पर आऊँगी तो और डिटेल में बताऊँगी। डायमंड वाली नोज़ पिन बहुत अच्छी रहती है वृषभ लग्न वाली महिलाओं के लिए। मिथुन लग्न वाली महिलाएँ भी डायमंड की नोज़ पिन पहने बहुत उनके लिए, जिसको बोलते हैं सुपर से भी सुपर लकी रहती है, और उनको हम अवश्य ही पहननी ही चाहिए डायमंड की नोज़ पिन। इससे उनके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं और लाइफ में देखिएगा कितनी धड़ाधड़ प्रॉस्पेरिटी आती है, पर डायमंड प्योर और बढ़िया होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कर्क लग्न की। कर्क लग्न वाली जो महिलाएं हैं वो गोल्ड की डायमंड नोज़ पिन पहने और उसमें हल्का सा एक लाल रंग का कोई, जिसको बोलते हैं ना काम किया हुआ होता है लाल रंग का, वो भी पहन सकती हैं लाल रंग का। उसका मेरे को पर्टिकुलर अभी वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, जिसको बोलते हैं शायद मीनाकारी बोलते हैं, मीनाकारी का काम होता है, तो वो उस पर लगा कर पहन सकते हैं। बनी बनाई मिलती है रेडीमेड, आपको स्पेशल ऑर्डर देने की भी ज़रूरत नहीं है, सब तरह की नोज़ पिन मार्केट में अवेलेबल होती है। अब मैं बात करती हूँ सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो भी चाहे तो डायमंड की नोज़ पिन पहन सकती हैं, इससे उनको नौकरी, बिजनेस और हर काम में उनको फ़ायदा होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में। कन्या लग्न की जो महिलाएं होती हैं उनको सिंपल सिल्वर की नोज़ पिन पहननी चाहिए, जिसमें हरे रंग की कोई मीनाकारी इत्यादि का काम हो, वो उनके लिए काफ़ी लकी रहती है। उनको मोती की नोज़ पिन कभी भी नहीं पहननी चाहिए। तुला लग्न वाली जो महिलाएं होती हैं वो भी चाहे तो डायमंड की नोज़ पिन पहन सकती हैं, नहीं तो मोती वाली नोज़ पिन भी उनके लिए काफ़ी लकी रहती है। वृश्चिक लग्न वाली जो महिलाएं हैं उनको सिंपल गोल्ड वाली नोज़ पिन पहन लेनी चाहिए, छोटी बड़ी अपने साइज़ के हिसाब से देख लें, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब मैं बात करती हूँ धनु लग्न वाली जो महिलाएं होती हैं वो भी छोटी सी नोज़ पिन ऐसी पहने जो सूर्य के आकार की हो। सूर्य से आकार से मतलब है छोटे छोटे उसके किनारे एक सूर्य की किरणों की तरह निकले हुए हों, वो नोज़ पिन पहने तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहती है, उनको बीमारियों से भी बचाती है। अब मैं बात करती हूँ मकर लग्न की महिलाएँ।
बहुत ही आराम से डायमंड की नोज पिन पहने उनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इससे कुंभ लग्न की महिलाएं भी इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकती हैं। कुंभ लग्न की महिलाएं चाहें तो डायमंड की या फिर गोल्ड की भी पहन सकती हैं। मीन लग्न वाली जो लेडीज़ होती हैं उनको गोल्ड की नोज पिन पहननी चाहिए, डायमंड की भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। तो इस तरह से आप नोज पिन अपने हिसाब से पहनकर, लग्न के हिसाब से पहनकर अपने जीवन में खुशियों को, समृद्धि को और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जिनका बुध ग्रह पीड़ित हैं उनको भी अपने नाक में छेद कराना चाहिए, भले ही वो मैरिड हो या अनमैरिड। कुछ मैरिड लोग भी नहीं कराती हैं, लेकिन नोज में उनको छेद जरूर करा लेना चाहिए। और इसके लिए उनको अपनी कुंडली की जाँच करानी पड़ेगी, तभी उनको पता चलेगा कि उनके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी। तो ये कार्य वो अवश्य करें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करना।